ललिता देवी मंदिर परिसर में ये स्थान पावन संस्कृत विद्यालय के छात्र जाते हुए हवन कुंड लिखा है, लेकिन हवन कुंड कैसे हो सकता है ये हवन कुंड, इसको होना चाहिए। यह हवन कुंड माँ ललिता देवी मंदिर परिसर में स्थित है। श्रद्धालु माता जी के दर्शन उपरांत अपने परिवार की मंगल कामनाओं के लिए हवन कुंड में आहुति देते हैं। मतलब ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आई, हवन कुंड तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, इस स्थान पे इस जल कुंड पे हवन कुंड लिखा है, ऐसा क्यों है ये बात समझ में नहीं आती है। ये कुंड है, देखिए पंचम प्रयाग भी कहते हैं इस स्थान को, क्यों कहते हैं ये भी पता लगाने की ज़रूरत है। ये ललिता देवी मंदिर का परिसर, माँ किसी रूप में विराजमान, ये माता जी जो बैठी हैं ये भी किसी रूप में ही हैं। देखो जय माँ, इनको तो देना बनता है, कुछ है क्या जेब में, बस का सिक्का था यार, जेब में ऐसे है। तो कल भी माता जी के दर्शन हुए थे, आज ही फिर से मिली हैं ये। जय गुरुदेव, जय माता दी। कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ के? नीमसारण गुरुद्वारा। गुरुद्वारा कहाँ है यहाँ का? लाइन पार। अच्छा लाइन पार, अच्छा अच्छा। ये परिसर ललिता देवी मंदिर का, और कितने दिन से यहाँ पे रहती हैं? 10-12 साल। अच्छा अच्छा, चलिए जय गुरुदेव। आज गुरुदेव की मर्जी थी, हमने कहा कल आपके दर्शन हुए थे यहाँ, मैं जब आया था तो मेरे जेब में था नहीं पैसा उस समय, ठीक है। चलिए माँ के दर्शन, ये ललिता देवी मंदिर परिसर, श्री माँ ललिता देवी। मंदिर के गर्भगृह में कपूर धूपबत्ती अगरबत्ती आज जलाना सख्त मना है। शिवलिंग के दर्शन ललिता देवी मंदिर परिसर में, श्री शिवाय नमस्ते को परिसर में फोटोग्राफी करना मना है। ये शिवलिंग ललिता देवी मंदिर परिसर में, जिससे कि यहाँ फिसले नहीं लोग पानी में। और ये देखिए सभी, जय गुरुदेव।